नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम और इस वक्त हम आज आपको एक अलग तरीके का आम दिखाएंगे। जो आम 2 किलो आम जो है, सिर्फ 3 ही आम चढ़ते हैं 2 किलो में, और इसका नाम जो बताया जा रहा है दुकानदार द्वारा, ये है आम, कौन सा आम बताया भैया आपने? राजापुरी ये आम है, और ये कह रहे हैं कि ये आम जो है इन दिनों ही आते हैं। देखिए कितना एक आम का साइज़ जो है, और जैसे जिस उन्होंने बताया कि हम इसे कहेंगे हाथी आम, हाथी आम इसे हम कहेंगे कि कितना बड़ा आम है। 2 किलो में जो है, आप ये देखिए, ये पीस देखिए कितना बड़ा आम है, और ये दुकानदार। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? चांद। चांद भैया, ये जो आम ऐसा क्या है? ये राजापुरी आम है, क्वालिटी है जो आखिर की क्वालिटी चलती है। राजापुरी हुआ, चौंसा हुआ और फजरी हुआ, ये लास्ट में क्वालिटी चलती है। ठीक है जी। और ये जो है, इसका साइज़ कितना बड़ा हो जाता है? ज़्यादा साइज़ किलो भर का भी हो जाता है, किलो भर का बाहर भी हो जाता है। इसका रेट कितना होता है? आम उससे ज़्यादा होता है? प्राइज इसके फ़िलहाल मिनिमम 50-60, आखिर में 80, चौंसे के आखिर में 250-200 तक पहुँच जाता है। लास्ट में यही चलता है? हाँ जी, लास्ट में ही रह जाता है। इसमें कुछ जैसे कहते हैं कि मिलावट वगैरह भी करते हैं? नहीं, मिलावट तो रोकने के लिए की जाती है। पेड़ पे पकाया जाता है, वो ज़्यादा वक्त नहीं रुक पाता जी। और जो केमिकल से पकाया जाता है, जैसे कहते हैं मसाला लगाया जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, 8-7 दिन रुक जाता है। ये केमिकल वाले हैं बिना केमिकल? जी, ये अगडाल वाला इतना वो नहीं होता ना खाने में, वो गुठली पे से गल जाता है वो आम। अगर उसे खाओगे उसका जायका अलग होता है, इसका जायका अलग होता है। आप इसको तोलेंगे, देखेंगे कितना है साइज, दो आम का या 3 आम का साइज़ दिखाएंगे कितना कितना बड़ा है। देखिए आप दिखाएंगे कि 3 आम रखे हैं, और 3 आम को आप देखेंगे इनका साइज़, इनका जो 2 किलो से भी, 2 किलो 300 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम से भी ये ज़्यादा दिख रहे बन रहे कि मतलब किस्म का ये जो आम है, अलग तरह का जो ये किस्म है। और भैया ये जो अगर बात की जाए आम को, किस आम को जो किस्मों की अगर बात की जाए, कितने आम की किस्में होती हैं? 300 से बाहर होती है। 300 से बाहर होती है, हाँ जी। ठीक है, और ये जो आम दूसरे इसके साथ रखे हैं, ये कौन से? ये किस्म है, इसका नाम किस्म बोला जाता है। अच्छा, ये किस्म है? हाँ जी। ठीक है ये थोड़ा खट्टा मीठा होता है। अच्छा, ये थोड़ा खट्टा मीठा होता है। जितने देखो आम तो हैं, तकरीबन सारे मीठे होते हैं, बस जायके अलग हैं सबके। जायके अलग होते हैं? जायके अलग होते हैं। इधर की सबसे बेस्ट क्वालिटी जो आप उत्तराखंड यूपी के क्षेत्र में खड़े हो, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो चौंसे की है। जैसे मलियाबाद की दशहरी हो गई, महाराष्ट्र का अल्फेंजो हो गया, इधर का चौंसा हो गया जी। बिल्कुल, देखिए हम उत्तराखंड में आए तो सोचा कि इधर सड़क किनारे देखा, भैया ने इतने बड़े बड़े आम देखे, हमने तो काफ़ी, क्योंकि इस प्रकार के आम नहीं देखे। जैसे भैया ने बताया कि ये जो आम है यहाँ पर उत्तराखंड के मशहूर आम है, यहाँ पर इस जैसे अब अगस्त का महीना चला है तो लास्ट में है आम, और लास्ट में ही ये किस्म आम की यहाँ पर आती है। और खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।